सात लोग कॉलेज क्लासमेट्स हैं, फिर उनकी वाइफ्स हैं, और वो लड़की जिससे एक लड़का शादी करने वाला है ये उसकी पार्टी है। कॉलेज के दिनों से तुम सब अपनी दोस्ती निभा रहे हो, दैट्स रियली नाइस। आरती, उसकी शादी लेट हुई है तो उसकी टांग खींच रहे हैं सब लोग। पता है हमारे ग्रुप का परफेक्ट जेंटलमैन है सिद्धू। अरे अब तक नहीं हुआ क्या तुम्हारा? आरती आरती बस करो, शादी के बाद के लिए भी कुछ बचा लो। मैं अभी शाइनी के अपार्टमेंट में हूँ, हम कुछ मिठाइयाँ बना रहे हैं दिवाली के लिए। ये सब पैसों की बर्बादी है। जीने का मतलब ये है क्या? छोटी सी बेकार जिंदगी, जिंदगी जीने और मजे करने के लिए। तुम्हें पता है कि वो कितना फिजूल की चीजों पे खर्च करती? मैं आ रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारी पार्टी है इसलिए। बस मेरी पार्टी नहीं है, वहाँ एक सरप्राइज भी है। अरे ये क्या, 6 लड़कियां और 5 लड़के? मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं 12th मैन बन जाता हूँ। गुड इवनिंग, हमारी मुलाकात ठीक से नहीं हुई थी, अब कर लेते हैं। मैं हूँ चंद्रशेखर। सर वो तो फ्रॉड है, मैं उसे निकालने की सोच रहा था। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। वो सुबह से पिया हुआ है सर, वो उस लड़की से बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। सर कोई पत्थर में गिर गया है, व्यू पॉइंट से दिख रहा है। क्या? जो भी होना था वो हो गया, जाओ जाके शाइनी को देखो। शिट, सब कुछ बिगड़ चुका है अब। मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ को वो जाने देगी जब तक सच का पता चलेगा। हमें वैसे भी किसी तरह सच का पता करना ही है।